दिखाने जा रही हूँ मेथी के लच्छेदार पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। लच्छेदार मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गुच्छी मेथी की ली है और उसे बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम एक बाउल भरकर आटा लेंगे और उसे परात में डाल देंगे और साथ ही साथ ये जो गुच्छी मेथी की हमने बारीक बारीक कट की है इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जितनी मेथी हम इसमें डालेंगे उतना ही हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। मेथी और आटे को हम मिला देंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमने यही करना है कि इन दोनों को अच्छे से मिलाना है। मेथी और आटे को मैंने मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून नमक, इसे भी हम इस आटे में मिक्स कर देंगे, नहीं तो नमक कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा आएगा, इसलिए इसको मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल देंगे, इसे भी हमने आटे में मिला देना है। और फिर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इसमें मिलाएंगे और फिर इसे आटे की फॉर्म में हम इसे गूंद देंगे। ये आपने इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है, एकदम से इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आटा हमारा गूंद चुका है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। मिनट हो गए हैं हमारे आटे को रेस्ट करते हुए। अब हम इसमें 1 स्पून ऑयल इसके ऊपर गिरा देंगे और फिर हम आटे को एक बार अच्छे से मथ लेंगे, ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें से आटा लेंगे और चकले के ऊपर आटे को स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड किए हुए आटे के ऊपर हम इस पेड़े को रखेंगे और फिर से हम इसके ऊपर आटे को स्प्रेड करेंगे और इसे फिर हम बेलना शुरू करेंगे। हम इसे राउंड शेप में बेलेंगे और फिर अब इसके ऊपर हमने घी स्प्रेड करना है। इसके चारों तरफ अच्छे से हमने घी लेकर स्प्रेड कर देना है। ऐसे हम हाथ की हेल्प से घी को स्प्रेड करेंगे, इसे इस तरह से कट कर देंगे और फिर इसको हम यहाँ से लेकर घुमाना शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से ये फ्लावर की शेप में बन जाएगा। अब हम इसकी लेयर को खोलना शुरू करेंगे और फिर इसे ऐसे पलट देंगे और इसे प्रेस कर देंगे। अब हम इसे पलट देंगे और फिर ऐसे रखकर इसके ऊपर आटे को स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। हमने बेल दिया है, अब हम इसे तवे पर डालेंगे। इसे हम तवे पर इस तरह से रख देंगे और फिर इसे सेकेंगे। एक तरफ से ये सिक गया है, हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे सिकने देंगे। अब हम इसे फिर से पलटेंगे और इसके ऊपर हम घी को स्प्रेड करेंगे। एक तरफ हमारे घी लग गया है, अब हम इसे फिर से पलटेंगे और इसके दूसरी तरफ भी हमने घी को लगा देना है। परोठा हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए दोनों तरफ से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अब मैं
इस पराठे की लेयर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लेयर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही लच्छेदार पराठा और क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी।